जी देखिए, पंजाब की तरफ पर और सोनिया गांधी के निर्देश पर केंद्र के जो कृषि कानून है उनको उनकी काट के लिए और उनको बाईपास करने के लिए संशोधित कानून राजस्थान सरकार के स्तर पर विधानसभा में रखे जाएंगे और स्पेशल उसी के लिए विधानसभा का ये सेशन बुलाया जा रहा है। राज्य सरकार ने पहले इसके लिए विधानसभा को चिट्ठी लिखी और उसके बाद विधानसभा सचिवालय ने ये बुलेटिन जारी किया है कि 31 अक्टूबर को सुबह 11 बजे सत्र है वो आउट होगा और सिर्फ स्पेसिफिक केंद्र के इन कृषि कानूनों के खिलाफ अपने स्तर पर संशोधित कानून बनाए जाएंगे, जिसमें अगर समर्थन मूल्य से नीचे कोई व्यापारी या बड़ी निजी कंपनी फसलों की खरीद करती है तो उसे जिस तरह पंजाब में 3 साल की सजा का प्रावधान रखा गया वो प्रावधान दंड का राजस्थान सरकार भी रखेगी। इसके लिए अभी कृषि विभाग, सहकारिता विभाग और विधि विभाग के जो है कानून बनाने में जुटे हुए हैं, उसमें और संभावनाएं यहाँ पर पराग तलाशी जा रही है। सोनिया गांधी ने निर्देश दिए थे, उसके बाद छत्तीसगढ़, पंजाब और राजस्थान की सरकार इस तरह के केंद्र के कानून को बाईपास करने के लिए ये कानून ला रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में आपने देखा होगा कि राजभवन ने मंजूरी नहीं दी विधानसभा सेशन बुलाने की, लेकिन राजस्थान सरकार के लिए आसानी रही क्योंकि आपने देखा होगा जब सियासी घमासान हुआ था तब विधानसभा का सेशन बुलाया गया था काफी मशक्कत के बाद। तो उस सत्र का, उस विधानसभा सेशन का जो है कह सकते हैं कि वो समाप्त नहीं हुई थी, कार्रवाई 17वां सत्र नहीं हुआ था। तो ऐसे में यहाँ पर 21 दिन के नोटिस पर राजभवन यानी राज्यपाल से मंजूरी लेने की कोई बाध्यता नहीं थी। ऐसे में विधानसभा सचिवालय को पावर था और उसके अधिकारों के तहत अपने ही स्तर पर सरकार को उन्होंने सत्र आउट करने की अनुमति दे दी। तो इस वक्त की बड़ी खबर 31 अक्टूबर को सुबह 11 बजे राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी, जिसमें सरकार इस केंद्र के कानून को किसानों का विरोधी बताते हुए अपने स्तर पर एक संशोधित कानून पास करेगी। बिल्कुल दिनेश, हम ये कह सकते हैं कि अब ये जो सत्र ये काफी महत्वपूर्ण सत्र होने वाला है, क्योंकि कृषि कानूनों को लेकर हमने देखा पूरे देश में किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया है। किसानों को अपने साथ में लेकर हरियाणा की हम बात करें, छत्तीसगढ़ की हम बात करें, तो ट्रैक्टर रैली के माध्यम से भी किसानों को ये बताने की कोशिश कांग्रेस पार्टी करती रही है कि कैसे किसानों के लिए ये फायदेमंद रही है, जबकि बीजेपी कहती है फायदेमंद है। तो इस हिसाब से, इस लिहाज से हम इस सत्र को काफी महत्वपूर्ण मान सकते हैं, क्योंकि इन्हीं तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ इसमें कानून बनाया जाएगा राज्य सरकार की ओर से। दिनेश जी, बिल्कुल, केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस की सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई जारी है। एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन का ऑलरेडी संगठन के स्तर पर ऐलान कर रखा है, जिसके तहत किसान सम्मेलन हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, सड़कों पर हंगामा किया गया और अब 14 नवंबर तक इनका ये अभियान चलेगा, जिसके तहत 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर ज्ञापन पर करवाने का टारगेट रखा गया, फिर राष्ट्रपति को ये ज्ञापन दिया जाएगा। उसी के तहत सोनिया गांधी ने निर्देश दिए थे कि संविधान के तहत, क्योंकि जो एग्रीकल्चर है, कृषि, वो राज्य सूची का विषय है, ऐसे में उसमें अगर कोई संशोधन करना है वो करना है, वो राज्य का हिस्से का काम है। उसी आधार पर संविधान में या कानून में नियमों के तहत प्रावधान है, उसके तहत जहाँ जहाँ कांग्रेस शासित सरकार है इस बिल के खिलाफ बिल लाएगा, यानी कानून के खिलाफ ये कानून होंगे। कांग्रेस की तरफ से ये एक मैसेज देने की कोशिश होगी कि हम इस मामले में किसानों के साथ है, अन्नदाताओं के साथ खड़े हुए, साथ ही कांग्रेस की नजरें जो अपना परंपरागत किसान वोट बैंक है उसको वापस पार्टी से जोड़ने के पीछे इसकी कवायद है, क्योंकि ये अभी राज्यपाल को मंजूरी के बाद भेजा जाएगा, फिर राष्ट्रपति को भेजा जाएगा, क्या टेक्निकल क्या लीगल इसमें खामियां रहती है। लेकिन कांग्रेस ये संदेश दे देगी, भाई हमने खूब प्रयास किए लेकिन ये रोड़ा केंद्र की तरफ से अटकाया, राजभवन या राष्ट्रपति की तरफ से ऑब्जेक्शन किया गया, हम आपके साथ। बिल्कुल, और ये दिनेश हम कह सकते हैं कि ये जो सत्र रहेगा इसमें काफी हंगामा होने के भी आसार है, क्योंकि बीजेपी तो इसका विरोध करेगी सदन के अंदर। जी बिल्कुल, बीजेपी ने पहले से कह दिया है कि ये गलत है, अन्नदाताओं को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस ने हमेशा किसानों पर अत्याचार किए हैं, उनके साथ वादा खिलाफी की है और बिल्कुल नाराजगी जताएंगे क्योंकि उन्हीं के कानून के खिलाफ यहाँ पर कानून लाए जा रहे हैं, तो बिल्कुल हंगामा होगा, बायकॉट भी किया जा सकता है और जमकर कह सकते हैं कि आरोपों का भी सामना करना होगा। बिल्कुल, और दिनेश, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी एकदम से विरोध और लगातार
इन कृषि कानूनों का लगातार कर रही है। पूरे देश में अलग अलग राज्यों में आप देख रहे हैं किस तरीके से किसानों को साथ लेकर कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर विरोध देखने को मिल रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह कि क्या इसमें रोड़े अटकाए जाएंगे? जो राज्य सरकार ये कानून, ये बिल लेकर आएगी, कानून इसको बनाने की कोशिश की जाएगी, इसमें रोड़े कहाँ कहाँ पर अटकते हैं भी काफी देखना विशेष और महत्वपूर्ण होगा। जी बिल्कुल, अभी कुछ केंद्रीय मंत्रियों ने बयान दिए कि पंजाब में अमरिंदर सिंह की सरकार लाई है वो गलत है, वो कर ही नहीं सकते उसमें संशोधन, उनका विरोध कर नहीं सकते, उसका किसी भी तरह से उल्लंघन नहीं कर सकते, ये मंत्रियों का दावा है। लेकिन अब किस तरह रहता है ये विधानसभा में, जब संशोधित कानून रखे जाएंगे उसके बाद आगे क्या प्रक्रिया रहती है उसी से क्लियर होगा। लेकिन कह सकते हैं कि टकराव के हालात यहाँ पर कांग्रेस शासित राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच यहाँ पर हो चुके हैं। बिल्कुल, और ये टकराव अब खुलकर भी राजस्थान में देखने को दिनेश मिल सकता है। जी बिल्कुल, आपने सियासी घमासान के दौरान देखा होगा किस तरह विधानसभा का विशेष सेशन बुलाने को लेकर राज्यपाल से टकराव हुआ था, उसके बाद राज्यपाल ने अनुमति दी। ये अच्छी बात थी कि इस विधानसभा सत्र का सत्रावसन नहीं हुआ था, नहीं तो वापस 21 दिन के नोटिस के नियमों के तहत राज्यपाल से मंजूरी ली जाती, क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ने वहाँ इस बिल को लेकर विधानसभा बुलाने से साफ मना कर दिया था। स्थिति यहाँ भी पैदा हो सकती थी लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि नियम ये कहता है कि जब किसी सेशन का सत्रावसन नहीं होता है तो विधानसभा सचिवालय और स्पीकर अपने स्तर पर सरकार को अनुमति दे सकते हैं सेशन बुलाने की। इसके लिए महज राज्य सरकार को एक चिट्ठी लिखनी होती है और वही प्रक्रिया यहाँ पर अपनाई गई कि 31 अक्टूबर सुबह 11 बजे से सेशन की शुरुआत होगी। दिनेश, किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया अभी तक मिल पाई है?